नमस्कार, विद्या भारती के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय दो विविधता एवं भेदभाव। पहले वाली विधि में हमने रूढ़िबद्ध आरंभ के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार लोग पूर्वाग्रह के कारण उनसे उनको हमसे अलग मानते हैं, अपने से अलग मानते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ने वाले या असमानता एवं भेदभाव, यानी भेदभाव कब होता है, भेदभाव क्यों किया जाता है, भेदभाव कब होता है, यानी भेदभाव जब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, और या अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है तो क्या होता है, भेदभाव होता है। अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, जैसे किसी समुदाय को या किसी विशेष को खास नौकरी करने से रोकना, या किसी समुदाय को या किसी व्यक्ति को कुएं से पानी नहीं पीने देना, यानी पानी नहीं लेने देना, ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को एक ही गिलास या कप में उस गिलास से उन व्यक्तियों को चाय या नहीं पीने देना, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। ये सब भेदभाव होता क्यों है, क्या कारण है इन सब भेदभावों के कारण। हमने पहले पार्ट में समीर फर्स्ट और समीर सेकंड की कहानी की माध्यम से कुछ चर्चा की थी, तो इसी प्रकार हम समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं उन दोनों का धर्म अलग था, उन दोनों का रहने का ढंग भी अलग था, यानी एक समीर तो बहुत ही धनवान था और दूसरा क्या था, गरीबी था। इसी प्रकार उन सबके रीति रिवाज भी अलग थे। ये सब यानी समीर का अलग होना, उनका आर्थिक दृष्टि से अलग होना, ये क्या है, विविधता के पहलू नहीं है बल्कि क्या है, भेदभाव है। इसी प्रकार ये तो ऐसा मत है, बहुत से लोगों के पास अपने खाने कपड़े के घर की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन पैसे नहीं होते हैं, इस कारण दफ्तरों अस्पतालों स्कूलों आदि में उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो ये क्या है, भेदभाव है, ये विविधता के पहलू नहीं है, यानी हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये विविधता के पहलू, ये विविधता के पहलू नहीं है, ये असमानता या भेदभाव है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता प्रति दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यानी विविधता भी है और असमानता भी है, उन दोनों के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान, यानी वे उस संस्कृति या उस समुदाय के सदस्य हैं जिसके कारण उनको मूल्यवान माना जाता है, और ऊपर से यदि वे क्या है, गरीब है और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, गरीबी के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे दो भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों को, धार्मिक समूह को या खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। इसी प्रकार एक यहाँ पर दलित सदाय आता है। दलित क्या है, दलित वे शब्द है जो नीचे की जाने वाली जाति के लोग अपने पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं, दलित नीची के जाने वाली जाति या अछूते, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दलित का मतलब क्या होता है, दलित का मतलब यह होता है जिसे दबाया गया है या उछल दिया गया है। सामाजिक पूर्वाग्रह भेदभाव में दलित लोगों को क्या रखा है, यानी ऐसी बहुत सारी रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण दलित लोगों को क्या रखा है, दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में क्या है, रखती है। अब हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे।
आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस प्रकार अखबार बेचता था, तो गरीबी के आधार पर। और तीसरे कारण है विविधता या असमानता, दोनों के आधार पर। दोनों के आधार पर भी क्या हो सकता है, भेदभाव किया जा सकता है।